और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त हरियाणा के जींद में बोल रहे हैं, आपको सीधे वहीं चलते हैं। और अविकसित देश, जो देश विकसित नहीं है, तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा, तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई साहब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आ ली, सारी पार्टियां चली गई, आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है, आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित, 5-7 साल, ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला। दोस्तों मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में, 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है, पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है, दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देख लूं। और यहां जितने किसान भाई आए हैं, सारे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं ठाडे रहना, चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका गरूर खत्म। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।